गुड मॉर्निंग डॉट 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 अमुक टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। सुबह सुबह 6 बजे हम लोग लाइव आ गए। कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं और एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे बाबू, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। गुड मॉर्निंग सूरज यादव, हाँ एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। हम सबका कमेंट भी पढ़ेंगे। देखिए आज का मेरा टारगेट क्या है, हम लोग सीखेंगे। देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ और उसका पीडीएफ और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन अगर होना है तो उसके लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9031429238। इस पे आप हाई लिख के भेजोगे तो मेरा जो टीम होगा वो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप और पीडीएफ वाला में जोड़ दिया जाए। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। ये सेंट्रप एग्जाम जो 2023 में केमिस्ट्री का दिए हो आप लोग, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नाम लिखा गया देख लें। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। बताओगे इसका आंसर क्या होगा बाबू, बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन एक एमॉर्फस सॉलिड है, बताओगे। डायमंड, उसके बाद है ग्रेफाइट, ग्लास या फिर कॉमन साल्ट। इसका आंसर बताओगे कि क्या होने वाला है। हम एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे ताकि बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आप लोग को परेशानी ना हो। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे शुरू से, बेसिक से जितना हो सके। हाँ चलिए अब हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज जानते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। एक होता है बाबू ठोस। ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टल और दूसरा होता है बाबू ऑक्रिस्टल। क्रिस्टल एक होता है बाबू ऑक्रिस्टल। क्रिस्टल ये ठोस को हम लोग रवादार ठोस भी कहते हैं और ऑक्रिस्टलीय ठोस को वे रवादार ठोस कहते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है, बेरवादार ठोस पदार्थ कौन है। अब देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा कैसे देंगे। एक बार सुनने तो क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा बोलना है कि वैसा पदार्थ। हिंदी में कराइए सर, हिंदी में भी है बाबू, ध्यान देंगे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं रवादार ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं बेरवादार ठोस। तो पूछा गया कि निम्न में से कौन एक बेरवादार ठोस है। ये डायमंड, डायमंड का मतलब होता है बाबू हीरा, इतना आप लोग को कम से कम आना चाहिए। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। उसके बाद ग्लास का मतलब होता है कांच, ग्लास का मतलब होता है बाबू कांच। और बात करते हैं इधर कॉमन साल्ट का मतलब होता है साधारण, साधारण नमक। बताओगे इसमें से कौन सा एक एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ग्लास। ये जो ग्लास का मतलब कांच, कांच एक प्रकार का यानी ऑक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी था कि निम्न में से कौन एक बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। तो आंसर होगा बाबू ग्लास, कांच। और ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस, ये भी एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस और ये भी एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम में ज्यादातर आप लोग को ग्लास ही पूछा जाएगा, एग्जाम में ज्यादातर ग्लास ही पूछा जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हैव मैक्सिमम ऑफ द ब्रेविस लेटिस। यानी किस प्रकार के रवा में, किस प्रकार के रवा में ब्रेवेज चालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। क्यूबिक का मतलब होता है वो घनी है, ट्राइक्लिनिक, उसके बाद है ऑर्थोरोम्बिक और है टेट्रागोनल। बताओगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? आप लोग चैट के माध्यम से बताओगे, मैं पढ़ रहा हूँ। ए होगा सर, ए होगा सर, नहीं। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाए। गुड मॉर्निंग सर, ध्यान देंगे। इसका आंसर होगा, अगर सबसे अधिक की बात करें, ध्यान देंगे, सबसे अधिक संख्या किसका होता है तो वो होगा बाबू ऑर्थोरोम्बिक का। किसका होगा? ऑर्थोरोम्बिक का। आप लोग को एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के रवा में ब्रेवेज चालकों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो आंसर लगा लेना बाबू ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। अब हम लोग अगली स्लाइड पे आते हैं। देखना ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा क्या गया है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? O2 है या Fe है या C6H6 है या Fe3O4 है? बताओगे आप लोग चैट के माध्यम से, चैट के माध्यम से बताओगे, चैट के माध्यम से आप लोग बताओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ, चैट के माध्यम से बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। CCC डायमैग्नेटिक प्रति चुंबकीय की बात करें तो इसका आंसर होगा बाबू Fe3O4। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट, ताकि सभी स्टूडेंट के पास चल जाए ये वीडियो और फाइनल एग्जाम की तैयारी अब अच्छा से करेंगे क्योंकि सेंटअप एग्जाम की तैयारी हो गई है। अच्छा, आप लोग बताओगे कि आप लोग का सेंटअप एग्जाम का अच्छा तैयारी, एग्जाम मतलब कैसा गया था? सेंटअप एग्जाम का, सेंटअप एग्जाम कैसा गया था? अच्छा, खराब, बहुत खराब, क्या होगा बताओगे आप लोग? हाँ, सेंटअप एग्जाम आप लोग का कैसा गया था? 2023 वाला सेंटअप एग्जाम बताओगे चैट के माध्यम से। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बाबू Fe3O4। अगला क्वेश्चन पे आते हैं अब। देखो ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, लेकिन में से किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है? NaCl में, ग्रेफाइट में, डायमंड में या AgCl? इस सब का मैं एक बार हिंदी कर देता हूँ, ध्यान देना। ग्रेफाइट इसे कहते हैं, ग्रेफाइट इसको कहते हैं हीरा, 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 हीरा। अब देखते हैं इधर, NaCl को कहते हैं हम लोग नमक या सोडियम क्लोराइड। AgCl का मतलब होता है कि Ag का मतलब चांदी यानी सिल्वर, लिख लेना, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। बताओगे इसका आंसर क्या होने वाला है? Which of the following have been Frenkel defect? निम्नलिखित में से कौन एक फ्रेंकल डिफेक्ट का उदाहरण है? फ्रेंकल डिफेक्ट का उदाहरण कौन सा है आप लोग बताओगे? सी होगा सर, सी होगा सर, सी होगा। ये होगा बाबू सी, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। आप लोग बताएंगे सुबह सुबह आप लोग किस जिला से जुड़े हुए हैं, किस जिला से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग चैट के माध्यम से बताएंगे। ललन यादव, सी होगा सर, हाँ सी होगा बाबू। AgCl, इसको हम लोग कहते हैं, AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। एक बार आप लोग अपने अपने जिला का नाम कमेंट करेंगे बाबू। सुबह सुबह अभी 6:25 ही हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आदर्श घोल है? घोल को हम लोग विलयन भी कहते हैं। कौन दर्शाता है, कौन दर्शाता है? ए वाला, डी वाला, सी वाला या डी वाला? बताओगे आप लोग चैट के माध्यम से इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे कि चैट के माध्यम से इसका आंसर क्या होने वाला। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, बताओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सर डी होगा सर, नवादा जिला से है सर। अच्छा, नवादा जिला। ध्यान देंगे कि आदर्श घोल सबसे पहले समझते हैं। देखना, एक होता है बाबू बिलियन में दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। उसी में आता है एक आइडियल सॉल्यूशन, एक आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? ध्यान देना, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं तो वैसा घोल जिसमें वैसा घोल जिसमें राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श घोल। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम लोग कहते हैं अनादर्श घोल। तो इसमें पूछा गया कौन आदर्श घोल है? इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी, सी सी। ये जो है CHCl3 और CH3COCH3, यह एक प्रकार का कौन सा घोल है बाबू? आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श घोल। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। आप लोग को बहुत सारी चीज को सिखाएंगे भी, आप लोग लास्ट तक बने रहे। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे सुबह सुबह। आइए, क्वेश्चन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है के किसके बराबर होता है? डेंसिटी के बराबर या नॉर्मेलिटी या मोलर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ। तो देखो इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी लिखने के लिए नहीं हो पाया। ध्यान देंगे, डेंसिटी का मतलब होता है बाबू घनत्व, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है बाबू नॉर्मलता, नॉर्मलता। अब आते हैं स्ट्रेंथ का मतलब होता है लंबाई या क्षमता भी कर सकते हो, स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो क्षमता। और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है वो मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण। बताओगे अब इसका आंसर क्या होगा? किसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाया जाएगा? बताओगे डेंसिटी में, नॉर्मेलिटी में या स्ट्रेंथ में या फिर मोलर कंसंट्रेशन में? तो बताओगे इसका आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन यानी कि ए नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा वो बताओगे? इसका आंसर होगा मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। सर पता कैसे चलेगा? क्या पता कैसे चलेगा? बताओगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इस बार के सेंट्रप एग्जाम में क्या पूछ दिया था। ध्यान देंगे, द टेम्परेचर ऑफ आइस, आइस का मतलब होता है बाबू बर्फ, बिकम्स आई लेस देन 0°C, 0°C, व्हेन साल्ट इज मिक्सड, मिक्सड का मतलब होता है मिश्रण, विथ इट दिस ड्यू टू डॉट 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 डॉट। अब इसको हिंदी में लिखा है कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का जो तापमान 0° से कम हो जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका एक परिभाषा ही है, देखो ऑस्मोसिस का है या हाइड्रोलाइज का है या डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। बताओगे इसका ये जो परिभाषा है, ये जो लाइन लिखा है, ये एक प्रकार का डिफिनेशन है। और किसका है बताओगे आप लोग? किसका है बताओगे? तो ये हो जाएगा बाबू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दें। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन क्या है, द आयनिक कंडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल मेटल, एल्काइल मेटल आयंस इज मैक्सिमम इन एक्वस सॉल्यूशन। देखते हैं जलीय घोल में क्षार धातु, कौन धातु बाबू, क्षार धातु के आयनों में किसका आयनन चालक तो सबसे अधिक पाया जाता है। के प्लस होगा, आरबी प्लस होगा, या एनए प्लस होगा, या एल आई प्लस होगा। बताओगे इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर क्या होगा? देखो क्षार धातु, एक होता है क्षार धातु, दूसरा होता है क्षार मृदा धातु, समझेंगे। क्षार धातु, क्षार धातु एक होता है क्षार मृदा धातु, क्षार मृदा धातु। ये जो क्षार धातु है ये आप लोग को आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 1 को कहा जाता है, वर्ग संख्या 1 को, और क्षारीय मृदा धातु वर्ग संख्या 2 को कहा जाता है, वर्ग संख्या 2 को कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये जो क्षार धातु के आयनों में किसका आयनन चालक तो यानी कंडक्शन सबसे अधिक पाया जाता है, बताओगे। क्षार धातु पूछा गया तो क्षार धातु में कौन कौन सा तत्व है एक बार लिखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। ट्रिक याद कर लेना, हा ली ना के रब से फरियाद, ये ट्रिक है बाबू क्षार धातु पहचानने का। क्या? ह ली ना के रब से फरियाद ट्रिक है। ह से हाइड्रोजन, एल आई से लिथियम, एन ए से सोडियम, के से पोटेशियम, आरबी से रुबिडियम, सीएस से सीजियम, एफआर से फ्रांसियम। तो किसका आयनन चालक सबसे अधिक होगा? वो होगा बाबू के प्लस पोटेशियम, के प्लस पोटेशियम, के प्लस पोटेशियम। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका आंसर हो जाएगा वो के प्लस। यही सब क्वेश्चन आप लोग को फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें सभी स्टूडेंट के पास। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी विच कैन डिपॉजिट 108 ग्राम, कितना ग्राम है बाबू? 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, फॉर्म्स AgNO3, AgNO3 को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। सॉल्यूशन इज बताओगे 1 एम्पियर होगा, या 1 कूलम होगा, या 2 एम्पियर होगा, या फिर 1 फेराडे होगा। इसको पहचानने के लिए बस एक ही रूल है, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे आप लोग। जब भी अमाउंट की बात करें, जब भी अमाउंट की बात करें क्वेश्चन में, तो फेराडे वाला ऑप्शन होगा हमेशा। कौन वाला बाबू? फेराडे वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। एक बार शेयर कर देंगे आप लोग, 2 मिनट वेट करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिप्रेजेंट एट एनोड। एनोड जो है व्हेन डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 को हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम, यानी प्लेटिनम जो धातु होता है पीटी, पीटी इलेक्ट्रोड H2S O2 H2 या SO2। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताओगे, इसका आंसर क्या होगा बताओगे, इसका आंसर क्या होगा बाबू आप लोग बताओगे अच्छा से। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू O2 ऑक्सीजन। अगली स्लाइड पे आते हैं, अगली स्लाइड पे ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज इतना वोल्ट, देन इट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज। इसका आंसर ए वाला होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा कि डी वाला। आप लोग को इसको याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं कैसे बनाना है, ध्यान देंगे आप लोग कैसे बनाना है। एक बार आप लोग को बताते हैं ट्रिक के माध्यम से। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तब हम लोग आप लोग को एक ट्रिक समझाएंगे इस क्वेश्चन में कैसे बनाना है, ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे प्लस में दिया रहे, ध्यान देंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर प्लस में दिया रहे तो आंसर हमेशा माइनस वाला होगा, ऑप्शन सी सी ट्रिक है बाबू। ये सब ट्रिक आप लोगों को कभी कहीं नहीं मिलेगा। अभी 25 लाइक हुए हैं, 25 लाइक, कम से कम 35 लाइक को पार करें, कम से कम 35 प्लस लाइक को आप लोग पार करें। आइए अब अगले क्वेश्चन पे क्या है। क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या सही है बताओगे। इसमें कुछ छूटा गया है देखते हैं, बताओगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर क्या होगा ध्यान देंगे। इसका आंसर क्या होगा बताओगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग चेक के मत। सर ए होगा सर, हाँ T हाफ प्रोपोर्शनल टू A, T हाफ प्रोपोर्शनल टू A होता है बाबू। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ प्रोपोर्शनल टू A, A A A, 1/A नहीं होगा, 1/A² नहीं होगा, A² नहीं होगा, वो सीधा प्रोपोर्शनल टू A होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या है। द यूनिट, यूनिट का मतलब होता है मात्रक ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। सुनेंगे हिंदी क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक बताएंगे, ए वाला होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा या डी वाला होगा बताओगे आप लोग। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक क्या होगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज यूनिट ऑफ क्या होगा। यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड, मोल लीटर सेकेंड। बताओगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ए होगा सर, ए होगा सर, ए होगा बाबू मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान में रखना सेकेंड ऑर्डर का जो यूनिट होता है वो हर एक साल पूछा जाता है, प्रथम कोटि का हो द्वितीय कोटि का हो, इन दोनों का एक मात्रक हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग को भूलना नहीं है, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि और एक है शून्य कोटि की अभिक्रिया, इन तीनों का मात्रक आप लोग को ध्यान में रख लेना। अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आते देखते हैं। द मोमेंट ऑफ कोलाइड, यानी पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। ये जो है एक प्रकार का परिभाषा है, ध्यान देंगे कौन किसका परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का जो गमन क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है या टेंडल इफेक्ट या इलेक्ट्रोफोटोसिस इमल्सन। बताओगे इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा बाबू डायलिसिस। इसको कहते हैं अपोहन, अपोहन ध्यान देंगे, अपोहन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सर हम शेयर कर दिए, बाबू वीडियो को शेयर करते रहे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, फोर्स का मतलब होता है आप लोग पढ़ा हुआ बल, एक्ट इन फिजिकल एडजॉर्शन यानी भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल कार्य करता है, भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल कार्य करता है, हिंदी में भी बताइए। देखिए भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल कार्य करता है, आयनिक करेगा या कोवलेंट का मतलब होता है सहसंयोजक, सहसंयोजक। अब देखिए वंडर वाल का मतलब होता है वंडर वाल, वंडर वाल बल। अब ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड बंधन। बताओगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बाबू आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या वंडर वाल फोर्स होगा। एक बार बताओगे, हम हिंदी में भी बताते जा रहे हैं आप लोगों को, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओगे आप लोग चैट के माध्यम से, एक बार चैट के माध्यम से बताओगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बाबू वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स, याद कर लेंगे वंडर वाल फोर्स। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सरफेस टेंशन ऑफ, यानी कि ये क्या है लिफिक सोल, लिफिलिक सोल। देखते हैं लायोफिलिक सॉलिड, लायोफिलिक सॉइल जो है सोल का पृष्ठ तनाव होता है, लायोफिलिक सोल का पृष्ठ तनाव होता है। ए नंबर ऑप्शन है बाबू H2O से कम या उसके बराबर या उससे ज्यादा अधिक या नन ऑफ दिस। बताओगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग चैट के माध्यम से बताओगे, आप लोग चैट के माध्यम से बताओगे। अगर आप लोग को पीडीएफ और व्हाट्सएप लेना है, अगर पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर आप लोग हाई लिख के भेजें, हाई लिख के भेजेंगे। जैसे ही हाई लिख के भेजते हैं तो 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोग को जोड़ दिया जाएगा। अब आते हैं इसका आंसर, देखो बाबू H2O से जो होता है वो हमेशा कम होता है, क्या होता है कम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 19 से 20। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेप सिलेक्टिव कैटालिक, यानी निम्न में से किसकी आकृति, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक होता है। तो इसमें बेसिक बेसिक चीज जान लेते हैं क्या है, देखेंगे उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक। कुछ कहानी भी इसमें सुनाएंगे, समझाएंगे भी और समझाएंगे भी, ध्यान देना। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो बोलना है जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके वेट को, रेट को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो जैसे आप लोग के गांव में कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे, आप लोग के गांव में कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जो आप लोग को कभी दबाने का कोशिश करता होगा और कभी उठाने का। जैसे मान लेते हैं कि गाँव देहात में भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, तो जब लड़ाई होता है तो पड़ोसी जो है उस लड़ाई को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक उसी प्रकार जो उत्प्रेरक है वो हमारे इस रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो उत्प्रेरक जो होता है चयनात्मक उत्प्रेरक की जो आकृति किसकी होती है बताओगे, V2O5, Cr2O3 या फिर हाइड्रेट जियोलाइट। हाइड्रेट का मतलब होता है बाबू जलीय, याद कर लेंगे जलीय जियोलाइट, जियोलाइट। उसके बाद है ZMS5, ZMS5 बी होगा सर, बी होगा। बताओगे इसका आंसर क्या होगा, Cr2O3 या V2O5 या हाइड्रेट जियोलाइट या फिर ZMS। देखेंगे देखो इसका जो आंसर होगा बाबू आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक किसका होगा, Cr2O3। आप लोग को कहीं कहीं ZMS5 भी दिखेगा, ZMS5 भी दिखेगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन, द सब्सटेंस ऑन रिएक्शन विथ गैसेस फॉर्म्स पॉसिबल मटेरियल, मटेरियल इज कॉल्ड। देखिए ये एक प्रकार का परिभाषा है, किसका है चेक करेंगे। देखो वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके ध्यान देंगे करके संघलीय पदार्थ बनाता है, वैसा पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संघलनीय पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं, वो फलक्स कहते हैं, फलक्स। द्रावक इसको हिंदी में कहते हैं द्रावक, स्लैग इसको कहते हैं स्लैग। स्लैग ध्यान देंगे तो आंसर हो जाएगा वो फलक्स। क्या कहते हैं फलक्स, फलक्स, फलक्स। ए होगा सर, ए होगा सर, ए होगा। आप लोग बताएंगे किस किस जिला से जुड़े हुए, किस किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, और का मतलब होता है आयस। एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है, निष्कर्षण जो किया जाता है बाबू, वो निम्नलिखित में से किस अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है बाबू वो होता है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो होता है बाबू होता है बॉक्साइट। आप लोग एक मिनट वेट करेंगे। आप लोग एक मिनट वेट करेंगे बाबू, कुछ देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बाबू, ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अब देखो ये क्वेश्चन, यहां से एक नहीं दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, देख लेते हैं। द आउटर, आउटर का मतलब होता है बाह्य, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ग्रुप 15 का क्या होगा। तो सबसे पहले 1 2 3 4 से समझ लेते हैं क्या क्या होता है। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में जो है बाबू वर्ग संख्या यानी ग्रुप 12 से लेके 18 तक का तत्व, 12 से लेके 18 तक का तत्व है। आप अपने कॉपी पे लिखते जाओगे कि इसका क्या क्या आंसर होगा। देखो वर्ग संख्या 12 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बाबू, ध्यान देंगे, NS2 NP1, ध्यान देंगे। और वर्ग संख्या 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 12 के बाद 13 का होगा NS2 NP2 होगा। और वर्ग संख्या 13 का 14 का होगा बाबू NS2 NP3। वर्ग संख्या 15 का होगा बाबू NS2 NP4। अगला है 15 के बाद 16 का होगा NS2 NP4 के बाद 5, ध्यान देंगे। 15 16 17 NS2 NP 4 5 6 ये होता है। तो कहा गया है कि वर्ग संख्या 15 को क्या होगा, देखते हैं। वर्ग संख्या 15 को कहते हैं, ध्यान देंगे। देखो वर्ग संख्या 15 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बाबू NS2NP3 अभी आप लोग को लिख के दिखाएं। ऑप्शन सी सी सी, ऑप्शन सी सी सी। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब आणविक ऑफ सल्फर इज। आणविक सल्फर यानी सल्फर का आणविक क्या होता है? डायटोमिक का मतलब एकल परमाणविक, ट्राई एटोमिक का मतलब त्रिपरमाणविक, टेट्रा एटोमिक का मतलब होता है वो चतुष्ट परमाणविक, और ऑक्टेट्रिमिक का मतलब होता है क्या? अष्ट परमाणविक। तो बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं सल्फर का जो है वो बाबू मॉलिक्यूल्स क्या होगा? बताओगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर? आप लोग चैट के माध्यम से देखेंगे। क्या होगा इसका? होगा बाबू ऑक्ट एटॉमिक। क्या होगा? ऑक्ट एटॉमिक। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। नोबल गैस किसे कहते हैं? एक बार ध्यान देंगे। सभी का मैं नाम लिख देता हूं, एक बार सभी का नाम लिख देता हूं। आप लोग लिखते रहेंगे कॉपी पे, ध्यान देंगे, आ जाइए। अगर बात करें वर्ग संख्या 18 को हम लोग कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैस। वर्ग संख्या 17 को हम लोग कहते हैं, 17 को कहते हैं बाबू हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार। देखिए एग्जाम में जो है हैलोजन परिवार से क्या क्वेश्चन पूछता है? हैलोजन परिवार से क्या क्वेश्चन रहेगा? हैलोजन परिवार के सभी सदस्य का नाम बताएं। तो हैलोजन परिवार का सभी सदस्य का नाम बताना है बाबू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन। अब देखो नोबल गैस किसमें है? तो वर्ग संख्या 18 को हम लोग कहते हैं नोबल गैस। तो नोबल में गैस में कौन कौन सा तत्व है? एक बार आप लोग को लिख के दिखाते हैं। देखिए उसमें आता है बाबू हीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन और रेडोन। तो देख लेते हैं, मिला लेते हैं क्या? N2 नहीं है, O2 नहीं है, N2 नहीं है, O2 नहीं है, H2 नहीं है, हो जाएगा बाबू Na। Na देख लीजिए, Na से नियोन, Na से नियोन। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाएंगे। आते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। निम्नलिखित में से किसकी, हाईएस्ट का मतलब होता है अधिक इलेक्ट्रॉन बंद होता है, किसका होता है? आयोडीन का, ब्रोमीन का, फ्लोरीन का या सीएल का? बताओगे? नियोन होगा निष्कर्षीय गैस। हाँ, उसी को कहते हैं निष्कर्ष गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, शून्य गैस, सभी उसी का नाम होता है। अब देखिए इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो हो जाएगा बाबू सीएल, क्लोरीन। जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होती है। आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में फाइनल में पूछा जाएगा 2024 में। तो आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए समझाते हैं। कहा जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स आर 5f। एक होता है बाबू 4f, एक होता है 5f। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन है बाबू F ब्लॉक का। कौन सा क्वेश्चन है? F ब्लॉक का क्वेश्चन है। देखते हैं, एक आता है 4F, एक आता है 5F। अगर कहा जाए, ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनेंगे। अगर कहा जाए 4F, अगर यहाँ पे 4F लिखा रहे तो आंसर हो जाएगा बाबू लैंथेनाइड, लैंथेनाइड। अगर 5F रहे, इसको कहते हैं एक्टेनाइड, एक्टेनाइड। तो देखो यहाँ पे 5F, तो 5F का मतलब हो गया बाबू एक्टेनाइड। अगर इसी के जगह 4F कर देता तो उसका हो जाता आंसर बाबू लैंथेनाइड। तो बिहार बोर्ड के 2023 वाला में 23 की बात करते हैं, 23 वाला में कौन क्वेश्चन पूछा गया था? यहाँ पे 5F की जगह यहाँ पे पूछा गया था 4F, 5F की जगह पूछा गया था 4F, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी, यानी 5F यानी एक्टेनाइड। अगर 4F रहता तो लैंथेनाइड, लैंथेनाइड। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण तत्व नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व का, किसको कहते हैं बाबू? संक्रमण, संक्रमण तत्व को। तो निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व, नोट का मतलब नहीं, कौन नहीं है बताओगे आप लोग? PCR, PD या AS बताओगे आप लोग चैट के माध्यम से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाबू AS, जो एक प्रकार का ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। AS होगा सर, AS होगा बाबू AS, आर्सेनिक। हाँ देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को निकालने के लिए सिखा देते हैं, आप लोग को निकालने के लिए सिखा देते हैं, ध्यान देंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ Fe, Fe का मतलब होता है आयरन, इसका परमाणु संख्या होता है बाबू Z1 = 26। अब इलेक्ट्रॉन को गिर लेंगे, कहाँ 26 पूरा है देखेंगे, 2, 4, 4, 10, 6, 10, 6, 16, 16, 2, 18, 18, 8, 26, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर। और लास्ट तक अगर आप लोग बने रहेंगे तो लास्ट में आप लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ट्रिक निकालने के लिए सिखा देंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ट्रिक निकालने के लिए सिखा देंगे और कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर भी कराएंगे लास्ट में, ध्यान रखेंगे आप। आइए ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या ऑफ एनआई का निकालना है। देखेंगे यहाँ पर Ni का क्या होगा, Ni का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा वो प्लस टू। यह सब निकालने के लिए आप लोग को बहुत ही, देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन आ ही गया। NiCO4H क्या होगा बताओगे, इसका क्या होने वाला है नोमेनक्लेचर? बताओगे IUPAC नोमेनक्लेचर, इसका हो जाएगा बाबू 0, ऑप्शन सी। ये सब निकालने के लिए आप लोग को सिखा दी। देखो अगला क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, यानी निम्न में से क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम, लोहा, निकेल या फिर कोबाल्ट, लोहा, निकेल या कोबाल्ट बताओगे आप लोग चैट के माध्यम से। इसका आंसर क्या होगा? प्लस टू होगा बाबू उसका आंसर। इसका क्या होगा बताओगे? निम्न में से कौन, ध्यान देंगे, निम्न में से कौन क्लोरोफिल में उपस्थित होता है? मैग्नीशियम उपस्थित होता है कि लोहा कि निकेल कि उसके बाद है कोबाल्ट, सीओ से कोबाल्ट बताओगे। इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा बताओगे आप लोग? BB Fe। देखो क्लोरोफिल में Fe नहीं उपस्थित होता बाबू, मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्या होता है बाबू? मैग्नीशियम। क्या उपस्थित होता है बाबू? मैग्नीशियम। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज, यानी यहाँ पे लिखा है कि एनी ठीक, निम्न में से किसमें निश्चेतक के रूप में किया जाता है? निश्चेतक के रूप में किसको कहेंगे? क्लोरोफॉर्म को, आयोडोफॉर्म को या मीथेन को या फिर एसिटिलीन को बताओगे। इसका आंसर क्या होगा? ये जो निश्चेतक के रूप में हम लोग आयोडोफॉर्म का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं बाबू, किसको? आयोडोफॉर्म को एक लड़का पूछ रहा है बाबू सर सेंट्रेप एग्जाम में प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे होगा। देखो ये जो सेंट्रेप एग्जाम है इसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। जब आप लोग फाइनल एग्जाम दोगे उसमें आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो आप लोग सुन लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, तीनों में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 30 नंबर फिजिक्स का, 30 नंबर केमिस्ट्री का और 30 नंबर बायोलॉजी का। उसके बाद मैथ में आप लोगों को 100 नंबर का रहेगा। उसके बाद बात हिंदी और इंग्लिश में, आप लोगों को 100 का रहेगा। यहाँ पे पीसी प्रैक्टिकल रहेगा बाबू, प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा उसमें आप लोग को 30 नंबर का रहेगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप लोग को थ्योरी जो है वो 70-70 रहेगा, प्रति 70-70। टोटल मार्क्स रहता है बाबू 500। क्या रहता है? 500। समझ में आया? अब आते हैं ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलोरल। कलोरल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है या फिर डी वाला है? आप लोग बताओगे, इसका आंसर। इसका आंसर होगा CCl3CH3। ऑप्शन बी। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विथ Mg इन ड्राई ईथर, की उपस्थिति में गिव्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड जो अभिकर्मक होता है, रिएजेंट का मतलब होता है अभिकर्मक, इसमें उपस्थित होता है या इसमें या इसमें या इसमें? बताओगे। इसका आंसर होगा बाबू C2H5Cl। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे फॉर्मेलिन निम्न में से किसका व्यापारिक नाम है? फॉर्मेलिन इज द कॉमेनिकल नेम। कॉमेनिकल नेम का मतलब होता है व्यापारिक नाम। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ए फॉर्मिक एसिड का या क्लोरोफॉर्म का या 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथनॉल में या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताओगे? देखेंगे। इसका आंसर होगा बाबू 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेथेनॉल में पाया जाता है। 35 के बाद अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट किसे कहते हैं? बताओगे। एल्काइन, मरकरी, मर्क्यूरिक क्लोराइड या एल्काइन पोटेशियम पैरामैग्नेट। उसके बाद है सी नंबर, उसके बाद है डी नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताओगे। यह क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, जैसे ही क्लास एंड होता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताओगे, और क्वेश्चन नंबर लगा देना बाबू, कुछ भी लगा सकते हो। 33 का होमवर्क। देखते हैं कितना बच्चा कमेंट करता है, और जो बच्चा कमेंट करेगा उसको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, तो ध्यान रखो। अब ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। क्या होगा? विनेगर में क्या, कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, या टार्ट्रिक अम्ल। कवर करते हैं। देखो सिरका, में आप लोग को एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर सिट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू, और संतरा, नींबू और संतरा में पाया जाता है। अब आते हैं अगला नंबर देखो HCl जो होता है बाबू अमाशय रस में पाया जाता है। उसके बाद टार्ट्रिक अम्ल टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है बताओगे? टार्ट्रिक अम्ल नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, अमाशय रस में आप लोग का होगा अमाशय रस में आप लोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या होगा कि किसमें विनेगार रिएजेंट उपस्थित होता है? उसका आंसर होगा वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग को अच्छा चीज सिखाया जाएगा जिससे ये ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। तो आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ट्रिक बता देंगे। उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर आज भी बता देंगे लगभग 8 बजे तक में। तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, देखिए ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोग्रेडेबल पॉलीमर। तो उसको पॉलीथीन होगा या सेल्यूलोज होगा या नायलॉन 6 होगा या PVC होगा। तो उसका हो जाएगा बाबू, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा वो सेल्यूलोज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेल्यूलोज में। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंस लिंकेज। कंटेंस लिंकेज निम्नलिखित में से कौन सा है? टेरिलीन है, नायलॉन है या बेकेलाइट है या टेफ्लॉन है? तो टेरिलीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू? टेरिलीन में। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन। देखो 40 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग को दिख रहा है ये सब, इसका आप लोग को सूत्र बताना है। क्या बताना है बाबू? सूत्र। एक बार आप लोग कमेंट में बताते रहेंगे किसका क्या सूत्र होगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल, कमेंट में बताते जाओ। सर हिंदी में भी बताइए। देखिए अब हिंदी में ही बताते हैं किसका क्या सूत्र होगा। देखो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है बाबू वो लिख लेंगे आप लोग CH3COOH। बार बार एग्जाम में पूछा गया है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है क्या होगा? CH3COOH। अगला है कास्टिक सोडा का सूत्र। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है बाबू NaOH। अगला है धोवन सोडा का सूत्र। धोवन सोडा का सूत्र क्या होगा? ध्यान रखेंगे Na2CO3 × 10H2 धोवन सोडा का, खाने वाला सोडा का NaHCO3। अगर ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन इससे छूटे ना, बार बार यही सब पूछा जाता है। अब आते हैं अगला 41 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है जिप्सन का सूत्र। जिप्सन का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। आप बताएंगे देखो तूतिया, ध्यान रखेंगे